दीनदयाल बात है। हमें इस बात का सौभाग्य है कि जो पंडित जी की आखिरी यात्रा थी वो हमारे शहर से शुरू हुई। हमारे शहर और उसके बाद भारत सरकार की ओर से असंगठित मजदूर क्षेत्र कामगार ठेले वाला दुकानदार आम जन के लिए प्रति माह 55 रुपए से 200 रुपए तक 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को ऐसे ही हमारे अजमेर जिले में इस ऐतिहासिक किसान की नगरी में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे केंद्र के श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय श्री संतोष संयोजन ओम प्रकाश जी बड़ाना जी ने मुझे कहा कि जन जागरण अभियान का कार्यक्रम इस अजमेर मुझे तो पहले कहा गया के नाते नहीं मैं कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ हमारे पहले अध्यक्ष ने हम मानते हैं कि उन्होंने इसी बात को लेकर आहुति दी थी तो ये हमारे एक काम करने का हिस्सा है और हमें लगता है किसी भी देश के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी इन बातों को ना भूलें और उनको अमल करने का काम करें। हम वो भी काम कर रहे हैं और देश को तरक्की की दिशा में देने का काम कर रहे हैं कि जैसे हमने GST लागू करने का काम किया वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में मतदाताओं को समझ में आएगा देशवासियों को समझ में आएगा कि हर क्षेत्र में हर दिशा में हमारी सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है। ना इस बारे में अभी तो हम चूँकि आज ही आए हैं अगर कोई स्पेसिफिक कोई बात यहाँ पर हमको लोग बताएंगे तो उसमें जो भी कर सकते हैं वो करा जाएगा। अजमेर में जैसे बीड़ी श्रमिकों का एक मुद्दा सामने आया था अनीता जी ने ज्ञापन भी उनके बहुत लंबे समय से मांग चल रही है बीड़ी श्रमिकों को लेकर काफ़ी उनकी जो आर्थिक स्थिति ना बीड़ी श्रमिक कि हमारे मंत्रालय में एक अलग से व्यवस्था है उनके लिए हम लोग कुछ इलाज के लिए और उनकी अन्य पढ़ाई के लिए व्यवस्था के लिए उन्हें कुछ पैसा देते हैं। ये बात सही है कि उन्होंने जो हमें बताया कि पहली किस्त मिल गई दूसरी और तीसरी किस्त खोला जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसी अभी हमारी टीम मंत्रालय की गई हुई है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है हम तत्काल ही खोलने की शुरुआत कर सकते हैं। वो सरकार के पैकेज में शामिल है उसमें हम घोषणा सरकार करेगी तभी शुरू कर देंगे। 50,000 से ज़्यादा मजदूर हैं यहाँ पे केवल एक मेडिकल डिस्पेंसरी ऐसा है कि लिखा पढ़ी में जितने मजदूर हैं अगर 50,000 मजदूर हैं और हमारे पास हैं तो हम 100 बेडेड हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं।